हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ हमारे जो सेशन वन है, जैसे मैंने बताया था, हम लोग की मंडे से सेशन स्टार्ट होने वाली है। क्वांट्स के ऊपर जो हम लोग का फर्स्ट जो चैप्टर होगा वो परसेंटेजेस होगा, ठीक है। और जैसे कि ये अभी पार्ट वन होगा आज का वीडियो परसेंटेज का, क्योंकि क्वांट्स में हम लोग पार्ट वाइज करेंगे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं, तो जितने सारे क्वेश्चन हैं वो सारे कवर एक में नहीं हो पाएंगे, ठीक है। क्योंकि एक वीडियो आपको अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर का तो होता है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। तो हम लोग लाइक 5-6 पार्ट में से हर एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सेशन वन है, और जो भी लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो। तो आज से हम लोग कोर्स स्टार्ट हो रही है सारे एग्जाम, नॉन कैट एग्जाम्स के लिए। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स से। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं चलूँ नेक्स्ट स्लाइड पे, तो ये हम लोग की टेलीग्राम व्हाट्सएप पे ग्रुप है, ठीक है। ये यहाँ पे सारे मैंने ग्रुप की नेम दे दी है, आप ज्वाइन हो सकते हो। यहाँ बीबी एमबीएस है, सीमेट सीईटी से, एमबीए सीईटी, टिसनेट, एनमेट, स्नैप, सारे का जो 2024 2023 में डायरेक्ट कर लो सबके लिए। ये एसआरसीसी, सीमेट, सीईटी और एमबीए जीडीपी, ये जो न्यू वाला है यहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। तो चलो हम लोग बात करते हैं परसेंटेज होता क्या है, ठीक है। आप लोग परसेंटेज से क्या समझते हो? अगर देखते हैं तो हम लोग बचपन से जो पढ़े आए हैं, ठीक है, हम लोग स्कूल टाइम से जो पढ़ते हैं, कि कोई भी नंबर 10 है, ठीक है। अगर कहीं पे 10 लिखा है, अगर वहाँ पे कोई परसेंटेज का ऐसे कोई साइन लगा दे, ऐसे ही साइन होता है, ठीक है। यहाँ पे बेसिक्स आपको बताया जाएगा, ठीक। कोई ऐसा नहीं कि अगर आप लोग पढ़े भी हो, आप लोग रिपीटर हो, तो आप लोग के लिए भी बेनिफिशियल था कि आप लोग का रिवाइज हो जाए, ठीक है। और जो न्यू कॉमर्स हो, अगर आप लोग अभी कॉलेज हुआ है, पास आउट हुए हो, फाइनल ईयर में एग्जाम देने वाले हो, तो ये वीडियो आप लोग के लिए है, ठीक है, जो भी लोग टारगेट कर रहे हो एग्जाम। जैसे कि आप लोग यहाँ देखते हो 10% लिखा हुआ है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे 10 बाई हम लोग 100 लिख देते थे, परसेंटेज में जैसा कोई नंबर दिया रहता था, ठीक है, ऐसे लिखते थे हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे एक मैं बता दूँ, परसेंटेज होता है एक फ्रैक्शन से, मैं एक चीज बता देता हूँ। एक परसेंटेज होता है, एक परसेंटेज होता है, ठीक है, और एक फ्रैक्शन होता है, ठीक है, ये फ्रैक्शन है, ठीक है। तो मैं बात करूं परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमेशा क्या किया जाता है, 100 से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए आपको हमेशा इनटू किया जाता है 100 को, ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अभी मैं इसका एग्जांपल दूंगा, ठीक है। परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में करना है, जैसा भी मैंने किया कि 10% मैंने लिखा था, तो 10% को क्या किया था मैंने, 10 बाई 100, तो ये फ्रैक्शन में आ गया। 0 से 0 हटा दो या फिर रखो, तो 1 बाई 10 हम लोग आ गया फ्रैक्शन में, ठीक है। अगर वही मैं बोलूँ फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है, अगर मैं बोलूँ 1 है 1 बाई 4 है, ठीक है। चार लोग हैं यहाँ पे, जिसमें से एक का हम लोग को बताना है उसका शेयर कितना होगा, तो 1 बाई 4 करेंगे, 1 बाई 4 इंटू 100 करेंगे ना। पूछता है ना कि इसका शेयर कितना होगा, इसका इक्विटी कितना होगा, एक मतलब 4 लोग हैं वहाँ पे, एक का बताना है कितना परसेंटेज इक्विटी होगा, ठीक है, शेयर होगा उसका। तो हम लोग 100 इंटू करेंगे, तो 4 2 8, 4 5 20, इसका कितना आ जाएगा, 25% आएगा। यहाँ तक आई थिंक आप लोग यहाँ पे समझ रहे होंगे, ठीक है, क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कुछ परसेंटेज का बेसिक होता है जो आप लोग बचपन से पढ़े आए थे, ठीक है। अब मैं बात करूँ नेक्स्ट, तो आप लोग भी नोट करते चलना, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ अभी अभी धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप होंगे। हम लोग जब एक्चुअल क्वेश्चंस पे आएंगे तो आप लोग को अच्छे से कवर करोगे। अभी तो मैं बेसिक्स करा रहा हूँ, ठीक है, ताकि जो लोग अभी तक न्यू स्टार्ट किए हो उन लोगों के लिए, ठीक है। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको इरेज करूँ। उसके बाद आप लोग भी क्वेश्चंस का आंसर देना कमेंट में, ठीक है, जो जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपसे आस्क करूंगा, ठीक है, आप लोग भी दे रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक सीता लेता हूँ, ठीक है, एक सीता नाम की लड़की है, ठीक है, और यहाँ पे गीता लेता हूँ, ठीक है,
सीता और गीता का मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, लाइक यहाँ पे मैं बोलूँ कि अगर सीता की इनकम गीता से 20% ज़्यादा है, अगर सीता की इनकम गीता से 20% ज़्यादा है, ठीक है, और गीता की इनकम, ये गीता, और गीता की इनकम सीता से कितने परसेंट कम होगा, मतलब गीता के सीता से कितना परसेंट कम होगा, इनकम में बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे लाइक हम लोग क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लाइक यहाँ पे मैं ले लूँ सीता का 5 और इसका 6 ले लेता हूँ, ठीक है, 6 ले लिया इसका, ठीक है, इनकम। तो सो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो लाइक हम लोग देखते हैं अगर गीता की इनकम 5 है, लाइक अगर गीता की इनकम 5 है, ठीक है, तो 5 है, तो लाइक तो सीता की इनकम कितना होगी, कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पे कितना ज़्यादा देख लो, 5 से लेके मतलब इसका 5 है तो सीता है कितना है, 6 है, तो कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है यहाँ पे, इतना तो पता है हम लोग को, ठीक है? तो क्वेश्चन ये है कि गीता की इनकम सीता से कितनी कम होगा, ठीक है, मतलब गीता का जो इनकम है वो सीता से कितना कम होगा, एक ही कम होगा ना, ये 6 है, ये तो हम लोग को 6 देख रहे हैं, 1 सेकंड में कलर यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, लाइक इसका तो 6 है ना सीता, और ये कितना है, 5 है, तो कितना कम होगा, मैंने पूछा है कितना कम होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 कम होगा, ठीक है, किससे कम है, मैं पूछा यहाँ है क्वेश्चन में कि मतलब जो हमारा क्वेश्चन है कि गीता की इनकम सीता से कितने कम है, गीता की इनकम सीता से कितने कम है, ठीक है, तो कितने कम है हम लोग का, 1 है, ठीक है, किससे है, हम लोग इसे सीता से, तो सीता कितना है, 6 है, ठीक है, और 1/6 आपको कितना होता है, 1/6 फ्रैक्शन आप अगर मैं देखो बताऊंगा आपको, अभी चार्ट बताता हूँ, ठीक है, कितने लाइक हम लोग कितने चार्ट है तो आप सबको याद करना पड़ेगा, तो कितने 1/1 कम है, तो 16.66 इसका परसेंटेज आता है, ठीक है, मैं बताऊंगा कहाँ से आया ये, ठीक है, 1/6 भी करोगे ना ऐसे 1/6 × 100 तो यही आता है 16.66, ठीक है, बट आपको ये सब फ्रैक्शन चार्ट होता है ये सब याद करना रहता है, ठीक है, ओके। और लाइक इसी तरह होता है कि लाइक 20% हो गया, 20% का निकालना है तो 20/100 करते हो तो इसका कितना आता है 1/5, ठीक है, इसी तरह आप लोग परसेंटेज का निकाला जाता है, तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझे होंगे। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि एक सीता है, ठीक है, एक सीता है और एक गीता है, गीता की इनकम 5 है, सीता की इनकम 6 है, मैं अगर बोलता हूँ अगर सीता की इनकम जो सीता की इनकम गीता से 20% ज़्यादा है तो गीता की इनकम सीता से कितने परसेंट कम होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है, अगर गीता की इनकम 5 है, अगर गीता की इनकम 5 है, ठीक है, तो सीता की इनकम कितना, मतलब कितना ज़्यादा है, एक ही ज़्यादा है ना, क्योंकि 5 से कितना, 6, 1 ज़्यादा होता है, ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ये था कि गीता की इनकम सीता से कितना कम है, एक ही कम होगा ना, मतलब जो सीता का इनकम है 5 वो सीता से कितना कम है, 6 से 1 कम है, 5, ठीक है, तो हम लोगों ने 1 ऊपर लिख दिया, और किससे कम है, सीता से, मैं पूछ रहा हूँ ना कंपैरिजन किससे बोल रहा हूँ, सीता से, कितना सीता से कम है, तो सीता आ गया कितना, सीता कितना 6 था, तो नीचे 6 मैंने डाल दिया, उसी का जो आ गया हमारा 16.66%। अब हम लोग बात करते हैं कि लाइक हम लोग कितना बोल रहा था, अब हम लोग कुछ इसका शॉर्टकट देखते हैं, लाइक क्या है, लाइक और में देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लाइक हम लोगों को बोल रहा है सीता की इनकम गीता से 20% ज़्यादा है ना, तो 20 ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, 20%, तो 20% कैसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है, 20% ऐसे ही लिखते हैं, 20/100, ठीक है, 20/100, ठीक है, तो 20% है ना, तो 20% कितना होता है, 20% कितना होता है, 25/100 होता है, तो 1/5 होता है, इतना तो आप लोग सबको पता होगा, 1/5 होता है, ठीक है, तो लाइक कितना कम है हम लोग से पूछ रहा था, ठीक है, तो कितना कम है, 1, ठीक है, इतना तो पता है, और
टोटल लेंगे हम लोग कितना, किससे था, सीता से, तो 5, 5 + 1 कितना हो जाएगा ये 6, नो टोटल नीचे कितना आएगा 6, तो कितना कम था ये, 1 कम था, तो 1/6 कितना आ जाएगा 16.66, ये इतना आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। मतलब 20% बोला ना, तो 20% टोटल कितना हो जाएगा, मतलब आपसे पूछ रहा था कितना कम है, तो 1 कम था, ठीक है, 6 से, और हम लोग का टोटल कितना था, ठीक है, अगर 1 ज़्यादा है तो यहाँ पे 1 कम भी होगा ना, वहाँ पे मैं बोल रहा था 5 से 1 ज़्यादा है 6, तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कितना कम है, तो 1 कम है तो यहाँ पे 1 होगा, ऊपर तो 1 ही आएगा, और दोनों का कितना था, 6 था टोटल सीता का, तो वह 2/6 हो गया, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, ठीक है। अब मैं बात करूँ नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या है आपका, लाइक अभी चलो हम धीरे धीरे चल रहे हैं, क्या है अभी हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे क्या क्या है, और जो भी आप लोग की डाउट होगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। लाइक ये हम लोग की फ्रैक्शन चार्ट है, तो जैसे कि परसेंटेज में होता है ना, कि सबसे पहले आप लोग याद कर लो फ्रैक्शन चार्ट, ठीक है। कम से कम मैंने जितने यहाँ पे दिए हैं नंबर्स के चार्ट, ये सब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कॉपी में लिख लो, नोट कर लो कि 1/2 का कितना होता है 50% होता है, 1/3 का कितना होता है 33.33% होता है, 2/3 का कितना होता है 66.67% होता है, 1/4 का 25%, तो ये सब कैसे आ रहा है। तो जैसे 1/2 का मैंने बताया था, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के क्या करते हैं, इंटू करते हैं 100 से, तो 100 से इंटू करोगे तो कितना आएगा 50% आएगा, उसी तरह 1/3 इंटू 100 करोगे कितना आएगा 33.33%, 2/3 का 66.67%, 1/4 का 25%, उसी तरह 2/4 का करोगे तो 50%, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग की परसेंटेज की फ्रैक्शन चलती रहेगी। अभी हम लोग फ्रैक्शन पे और क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है, तो अभी देखते रहो क्या क्या अभी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और नाइक अगर मैं बात करूँ, एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, तो ये सब आप लोग नोट कर लो, ठीक है। मैं बात करता हूँ अब आगे नेक्स्ट क्या है कॉन्सेप्ट हम लोग की। अगर मैं बोलूँ कि इफ इफ ए इंटू बी, इफ ए इंटू बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, सो ए जो होता है ना आपका, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है 1/b के, ठीक है, इतना ध्यान रखना। लाइक इसका एग्जांपल देता हूँ, अभी आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। लाइक अगर मैं बोलूँ a के और b के जगह मैं क्या लिखता हूँ, 5 × 6, ठीक है, और इसका मल्टीपल होता है 30। अगर मैं इसको इन्वर्स भी कर दूँ, 6 × 5 लिखूँ, तब भी तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, c जो आपका आएगा, ठीक है, आपका जो सी आएगा कांस्टेंट आएगा, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, 30 ही रहेगा, कोई चेंज तो नहीं होगा ना। लाइक 5/5 × 6 था, उसी को मैं 6 × 5 कर दिया, तो बस इन्वर्स करने पे हमारा जो नंबर था, जो हमारा रिजल्ट था, वो तो सेम ही रहा, वो तो कांस्टेंट ही रहा, इसलिए मैंने लिखा है सो ए इज ए इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू 1/b, ठीक है। जो बी रहता है, जो हमारा बी होता है, ठीक है, वो हमेशा रेशियो में चेंज करेगा, ठीक है, हमेशा रेशियो में चेंज होगा, ठीक है। लाइक अगर ए 5/6 है, इसको रेशियो में करूँ 5/6 है, तो बी कितना था हमारा, 6/5 था, इसमें कोई डाउट नहीं है इस कॉन्सेप्ट में, ठीक है। अब इस पर लाइक अगर मैं एक क्वेश्चन करूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन करता हूँ, लाइक एक्सपेंडिचर वाला एक क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है, ई से एक्सपेंडिचर मानना, ठीक है, ई से एक्सपेंडिचर है, और पी से हमारा प्राइस है, और सी से हमारा कंजप्शन है, ठीक है, जो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। लाइक अगर मैं एक्सपेंडिचर ले लूँ 600 रुपीज़, ठीक है, यहाँ पे ले लेता हूँ 600 रुपीज़, ठीक है, और यहाँ पे ले लूँ हम लोग प्राइस में 40 रुपीज़ पर केजी, ठीक है, इंटू 100, कंजप्शन हम लोग कर रहे हैं 15 kg का, ठीक है, 15 kg का हम लोग क्या कर रहे हैं, कंजप्शन कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं उसी को 600 नेक्स्ट लूँ, 600 रुपीज़ है, ठीक है, और इसका कितना है 50 kg है ना,
₹50 पर केजी, ठीक है। इसका प्राइस इसमें बढ़ा दिया हूँ मैं, और इसका कितना है 12 कंज्यूम कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन का मैं मतलब समझाता हूँ कैसे क्यों, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा एक्सपेंडिचर, जो हमारा लाइक खर्चा है, ठीक है, और ये प्राइस है पी से और सी से कंजप्शन है। मैं बोलूँ कि हम लोग के पास ₹600 है, ठीक है, जिसमें से मैं राइस की, ठीक है, किसी भी प्राइस की, राइस की बात कर लो, ₹40 पर केजी है, जिसमें से हम लोग 15 केजी अभी खरीद रहे हैं, ठीक है, मतलब ₹40 पर केजी वो राइस मिल रही है, और जो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं 15 केजी, ठीक है। अब मैं दूसरा बात करूँ, ₹600 है सेम, ठीक, हर छोड़ा है, और राइस का दाम बढ़ गया है लाइक ₹50 पर केजी, ठीक है, राइस का दाम बढ़ गया है ₹50 पर केजी, और उससे हम लोग जब दाम बढ़ा, जब प्राइस बढ़ा, तो हम लोग क्या किए, कंज्यूम क्या किए, कम करना, जब होता है ना कि प्राइस किसी चीज़ का बढ़ गया, तो लाइक हम लोगों ने कंज्यूम करना कम कर दिया, लाइक 15 से हम लोग 12 केजी पे आ गए, ठीक है। तो लाइक हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि लाइक प्राइस का कितना था, प्राइस का कितना था हम लोग पास, फर्स्ट में क्या था, लाइक इसको ए समझो, इसको ए समझो और इसको बी समझो, ठीक है। तो प्राइस हम लोग कितना था, 40:50 लिखेंगे, ठीक, कोई डाउट नहीं है इसमें। एंड कंजप्शन कितना था हमारा सी से, कितना जाएगा, 15:12 था, 15:12 क्या था, 12 था, ठीक है। तो लाइक इसको मैं 0 से 0 कट गया, और 3 4 12 और 3 5 15, तो ऊपर 4:5 आएगा, ऊपर क्या आएगा, 4:5, और नीचे क्या आएगा, 5:4 आएगा, ठीक है, इतना आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। तो ये हमारा क्या आ गया, इन्वर्स आया ना, 4:5 आया ऊपर, और नीचे क्या आएगा, 5:4 था, ठीक है। बट आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही कांस्टेंट आएगा, ठीक है, इतना तो आप लोगों को पता है, ठीक है। तो लाइक अगर मैं बात करूं, अगर किसी दो डिजिट का प्रोडक्ट फिक्स है, अगर किसी दो डिजिट का प्रोडक्ट अगर फिक्स है, ठीक है, तो रेशियो में क्या, मतलब क्या बदलेगी, दूसरी की रिवर्स, जैसे बताया था, जैसे कि 4:5 है तो 5:4 हो गया, ठीक है। लाइक उसी तरह है प्राइस और कंजप्शन, ये सब मैं बताऊँ, ठीक है। लाइक एक कॉन्सेप्ट है, लाइक अगर मैं इसको रेस करूँ, इसको मैं रेस करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो लाइक मैं बात करूँ, ये प्राइस है, ठीक है, और ये कंजम्पशन है, ठीक है, ओके। तो प्राइस है लाइक 25% बढ़ी, ठीक है, 25% बढ़ गई, ठीक है। 25% बढ़ी तो कितना, 1/4 होता है ना 25% का, ठीक है। उसी तरह क्या होगा, -20% घट गई, ठीक है, -20% क्या हो गया वहां पे, घट गई, तो उसका कितना, 20 कितना हो जाए 20% का, 1/5, ठीक है, कितना होता है, 1/5, ठीक है। तो ये था मेरा, मतलब कहने का मतलब है कि लाइक अगर किसी दो प्रोडक्ट का अलग, अगर आप लोग रेशियो सेम, मतलब फर्स्ट में जो रहता है और जो सेकंड होता है, वो सा क्या होता है, इन्वर्सली क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, ए इज टू बी का, ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, क्या है। लाइक यहाँ पे एक चीज मैं और बता दूं, अगर राइस की लाइक प्राइस 25% से बढ़ गई है, तो 20% से कम होगी, ठीक है। लाइक एक बढ़ता है तो एक कम भी तो करोगे ना, ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, एक अगर किसी चीज, जैसे मैं प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पे बताया था कि लाइक अगर यहाँ पे एक बढ़ा था विसीता का, तो एक कम भी तो था यहाँ पे, ठीक है। तो ये था एक कॉन्सेप्ट, ठीक है, सेकेंड कॉन्सेप्ट हम लोग का था आज का, ठीक है। और मैं बात करूँ यहाँ पे, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ लाइक फ्रैक्शन और परसेंटेजेस, ठीक है, यहाँ पे लाइक चलो देखते हैं कि लाइक फ्रैक्शन परसेंटेज का तो मैं बता दिया हूँ। लाइक अगर कोई यहाँ पे फ्रैक्शन दिया हुआ है, जैसे 4/10 है, 4/10 है, इंटू 100 करते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक्स कितना आ जाएगा, 40% आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाने के लिए क्या करते हैं, हमेशा परसेंट इंटू 100 करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ऊपर वाला साइन होता है, ठीक है, जो हमारा 40% आता है, तो 40% कैसे लिखते हैं, 40/100। जो हमारा न्यूमरेटर होता है ना, वो हमेशा परसेंटेज शो करता है, ठीक है। और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो तो 100 ही रहता है, ठीक है। ये हमेशा आपका परसेंटेज शो करता है, 40 जो ऊपर का नंबर होता है न्यूमरेटर, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ लाइक कुछ और कॉन्सेप्ट्स की। लाइक अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 1/1 कितना होता है, 100% ही होता है, 100 से इंटू करोगे तो 1/1 कितना होता है आपका, 100% होता है, ठीक है। फिर से 1/2 कितना होता है, 50% होता है ना, इंटू 100 करोगे 50% आएगा। फिर उसी तरह 1/3 कितना हो जाएगा, जैसे कि मैं बताऊं 100 करोगे तो कितना आएगा, 33.33। जो आप चार्ट याद करोगे तो सब आपको याद हो जाएगा, ये सब जितना ही मैं बता रहा हूँ। और 1/4 कितना होता है, 25% होता है, ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होगे, ठीक है। उसी तरह 3/5 देख लो, ठीक है, तो कितना होता है, ये 60% होता है, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग फ्रैक्शन आता है, फ्रैक्शन को परसेंटेज कैसे चेंज करते हैं, लाइक इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 3/5 है ना, ठीक है। तो इसको 100 बनाने के लिए क्या करोगे, 5 को, लाइक परसेंटेज नीचे रहता है ना 100, 5 को कितना आता है, 5 × 2 = 20, ऊपर भी क्या करेंगे हम लोग, 20 से करेंगे इंटू, तो 60 ऊपर आ जाएगा, और नीचे क्या रहेगा आपका, 100 रहेगा एज इट इज, ठीक है। तो 60% आ गया आपका, इसको भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। नीचे वाला तो 100 ऐसे ही रहता है, ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे मैं बता देता हूँ, लाइक मैं बोलूँ कि यहाँ पे 50% है, यहाँ पे 50% है, क्वेश्चन पे आएंगे अभी हम लोग, ठीक है। पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, तब हम लोग क्वेश्चन पे करते हैं, ठीक है। धीरे धीरे क्वेश्चन भी करेंगे, कॉन्सेप्ट भी डिवाइस करते रहेंगे, ठीक है, जितने भी नए कॉन्सेप्ट है। 50% दिया हुआ है यहाँ, 50% कितना है मैं बता दूँ, 1/2 होता है, इतना तो आप सबको पता है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो 1/2 है, अगर मैं बोलूँ 2 जो है 50% का कितना होगा, 2 is 50% ऑफ 2 का 50% कितना होगा, 1 होगा। इस पे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है, अभी बने रहना। 2 का 50% कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। 2 का 50% कितना होगा, लाइक हम लोग बोलेंगे 50% ऑफ 2, ऐसे ही ना होगा, 50% ऑफ 2, ठीक है, 50% ऑफ 2, तो 50/100 मतलब 50/100 इंटू 2, इतना करेंगे 50 × 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो ये वही ना आएगा, वही ना मैं बोल रहा हूँ, लाइक 2 का 50% कितना होगा, 2 का 50% कितना होगा, 1। तो हमारा जितना 50% ऑफ 2 करोगे तो 1 ही रहता है। मैं उसी तरह बोलूँ 1/3 का, 1/3 का कितना परसेंट होता है, आप लोग बोलोगे 33.33 होता है, इतना तो आप लोग फ्रैक्शन जब समझ रहे हो, फ्रैक्शन चार्ट देखे हो तो होता है। तो 3 का 33.33% कितना होता है, 1 होता है। 3 का 33.33% कितना होता है, 1 होता है। उसी तरह मैं बोलूँ 4/5 का कितना होता है हमारे पास, 80% होता है, 80% होता है, इतना तो पता है। तो 5 का 80% कितना होगा, 4 होगा। 5 का 80% कितना होगा हमारा, 4 होगा। तो इतना तो कोई डाउट नहीं है। और मैं नेक्स्ट मैं बात करूँ तो जैसे 3/4 को भी ले लो, 3/4 का कितना होता है, 75% होता है, ठीक है। 3/4 का कितना होता है, 75% होता है। 4 का 75% कितना होगा, 3। 4 का 75% कितना होगा, 3। तो ये बात हमेशा हम लोग ध्यान रखना कि जैसे ही परसेंटेज दिया रहेगा तो आप लोग 4 का जैसे पूछे 75% कितना होता है, यहाँ पे 3। 5 का कितना होता है, 80% कितना होता है, 4। 1/3 का 33.33% कितना होता है, 1। 50% का
लाइक 1/2 का 50 कितना होता है, 2 का 50% कितना होता है, 1। इसी तरह हमेशा डिनोमिनेटर से क्या होता है, हमेशा फ्रैक्शन लाइक हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पे जो उसका वैल्यू आता है, ठीक है। तो लाइक अगर हम लोग बात करें लाइक इसी पे एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं क्या है, ठीक है। उसके बाद चलो अभी हम लोग एक और कॉन्सेप्ट कर ही लेते हैं, ठीक है, तब चलेंगे आगे, ठीक है, क्वेश्चन पे। लाइक अगर मैं बोलूँ यहाँ पे लाइक ये है 9/8 मैंने लिखा है, ठीक है, 9/8, ठीक है, 9/8 लिखा है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1+1/8 लिखो तो कोई गलत होगा, इसको नहीं होगा, जोड़ के तो 9/8 ही ना आएगा, ठीक है। तो 1 हमेशा क्या शो करता है, आपका परसेंटेज शो करेगा यहाँ पे, 1 को आप 100% लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। 100% को क्या करो, 100/100 तो कट के 1 ही आएगा, ठीक है। प्लस 1/8 किसका फ्रैक्शन कितना होता है, 12.5% होता है, 1/8 कितना होता है, 12.5 होता है, ठीक है, 12.5% होता है, ठीक है। तो लाइक यहाँ पे लाइक आप कैसे करोगे, तो जोड़ के कितना आएगा आपका, 112, मतलब 112.5% आएगा, तो ये रह गया, ठीक है। उसी तरह सेम है, वही 17/8 है, अगर मैं नेक्स्ट में बात करूँ 17/8 ले लूँ, तो अगर मैं इसको बात करूँ लाइक मैं बताता हूँ इसको कैसे है, लाइक इसका शॉर्टकट भी है, क्या है, लाइक इसका 2+8 16 और 1/8, हाँ। तो इसको कैसे करोगे, 200% है, 2 को मैं 200% लिख दिया, प्लस 1/8 किसका होता है, 12.5 का, ठीक है, तो कितना हो गया, 212.5% हो गया, पॉइंट है, ठीक है। लाइक देखो इसमें कैसा है ना कि लाइक यहाँ पे जब भी ऐसा कोई फ्रैक्शन दिया रहेगा तो यहाँ पे जो हमेशा आपका न्यूमरेटर होता है, जो आपका न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए, तभी ये काम करेगा। लाइक 8 का जो 9 मल्टीपल है, लाइक अगर 8 × 1 करेंगे, 8 × 1, 8 × 1 जो क्या होता है 8, तो 1 जो हमेशा यहाँ जो आएगा वो हमेशा यहाँ पे रहेगा, ठीक है, ठीक है। 1 यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे ऐसा है कि लाइक मल्टीपल देखते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे 8 × 1 करते हैं तो यहाँ पे मैंने क्या बोला 8 आता है, ठीक है, तो 8 से 1 ज्यादा 9 है, ठीक है, तो 8 से 1 ज्यादा क्या है 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिए, क्योंकि 1 ज्यादा है तो 1 यहाँ लिख दिए, ठीक है, और कितना बचा हम लोग पास, 1/8, कितना बचेगा, हम लोग का रिमाइंडर तो 1 ही ना बचेगा, तो 1 और नीचे एज इट इज 8 रहेगा, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग इसी तरह ऐसे ही लिख रहे हैं कि लाइक उसी तरह आप लोग क्या करोगे, 17/8 है, 17/8 को 8 × 2 कितना होता है, 16 होता है, 8 × 2 क्या होता है, 16 होता है, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा आपका, और कितना 16 है, तो 16 से कितना ज्यादा 17 है, 1 है, तो 1 ऊपर रह जाएगा और 8 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। उसी तरह हम लोग माइनस वाला कॉन्सेप्ट करते हैं, लाइक माइनस में क्या करोगे, लाइक अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 7/8 अगर कोई नंबर ले लेता हूँ, ठीक है, 7/8 अगर मैं नंबर ले लूँ तो लाइक 8 × 1 = 8, ठीक है, 8 × 1 = 8, ठीक है, 1 किधर आ जाएगा इधर, और 8 से कितना कम है, 7, 1 है, तो 1 ऊपर रख देंगे और 1/8, ठीक है, इसको ऐसे कर देंगे तो 1 का कितना हो जाएगा, 100% आ जाएगा, और 1/8 कितना था आपका, 12.5%, ठीक है, 12.5%, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका, 87.5% आएगा, 87.5% आएगा आपका ये, ठीक है। उसी तरह मैं बात करूं नेक्स्ट, 7/8 ले लिया, अब हम लोग नंबर लेते हैं 15/8, 8 × 2 = 16 होता है, तो 2 इधर लिख दिया, और 16 मतलब फिर 16 कितना ज्यादा है, 15 से 1, ठीक है, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे 15 कम है ना 16 से,
टू माइनस वन बाई एट, ठीक है, तो टू का कितना कर दोगे आप लोग, 200% माइनस वन बाई एट है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 12.5%, ठीक है। तो 200 में से इसको घटाओ तो कितना आएगा, 12.5% को, मतलब 187.5%, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग यहाँ तक जितने कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए हैं, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। और लाइक अभी हम लोग बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कुछ करते हैं, ठीक है। पहले एक क्वेश्चन कर लेते, ठीक है, लाइक आप लोग भी अभी जब सब कॉन्सेप्ट ही समझ रहे थे, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, लाइक यहाँ पे बोला है 50% ऑफ पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 30% ऑफ पी प्लस क्यू एंड क्यू इज एक्स परसेंट ऑफ पी, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, ठीक है। तो लाइक क्या बोल रहा है, हम लोग जैसा जैसा बोला है वैसा वैसा लिखते हैं। तो 50% क्या होता है, 1/2 होता है, इतना तो हम लोग जानते हैं। तो मैंने लिख दिया 50% 1/2 ऑफ का तो इनटू होता है, तो 1/2 माइनस ऑफ पी माइनस क्यू और इक्वल टू 30% कितना होता है, 3/30 होगा फ्रैक्शन में, सो करेंगे तो 3/30, फिर पी प्लस क्यू एंड उसके बाद बोल रहे हैं क्यू इज एक्स परसेंट ऑफ पी, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो लाइक 2 से यहाँ पे मैं बोलूँ 2 5 10 कट जाएगा यहाँ पे p माइनस क्यू, सो 5 को 5p इधर आ जाएगा, तो 5p माइनस 5q, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 3p प्लस 3q हो गया, ठीक है, इतना में कोई डाउट नहीं है। तो 5p माइनस 3p कितना हो जाएगा, 2p हो गया, इतना तो कोई डाउट नहीं है। और 3q इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 5q प्लस में आएगा तो 8q हो जाएगा, ठीक है, 8q एंड सो मैं बोलूँ ए पी बाई क्यू कितना हो जाएगा, 2 4 8, ये भी कट जाएगा, तो पी बाई क्यू कितना हो जाएगा 4, नीचे 1 लिखना है तो लिख दो, ठीक है, नीचे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आपसे पूछा है, q इक्वल टू एक्स परसेंट ऑफ पी, क्यू जो है कितना है एक्स परसेंट ऑफ पी, तो क्यू का कितना है हमारा, क्यू हमारा कितना है 1 है, ठीक है, 1 है एक्स परसेंट ऑफ पी, तो पी का कितना है आपका, क्यू आपका क्या है यहाँ पे 1 ही ना है यहाँ पे, ठीक है, क्यू इक्वल टू एक्स परसेंट ऑफ पी, तो 1 है हमारा क्यू और पी ऑफ पी, तो ऑफ कितना, पी का कितना है हमारा वैल्यू 4, तो 1/4, तो कितना हो जाएगा 25% इसका आंसर हो जाएगा, 25%, तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका 25%, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि लाइक बोल रहा है क्वेश्चन, इफ 50% ऑफ p माइनस q इक्वल टू 30% ऑफ p प्लस q एंड q इक्वल टू x परसेंट ऑफ p, देन द वैल्यू ऑफ x इज, ठीक है। तो लाइक वही है कि 1/2 जो है हमारा p माइनस q में लिख दिया 50% का वैल्यू, और 30% का कितना लिखे माइनस 3/10, उसी तरह हम लोग काट के जितना आया है यहाँ पे इक्वल टू में, तो ये हमारा p बाई क्यू का वैल्यू आया 4:1, मतलब 4/1। तो क्या बोला है, q इक्वल टू x परसेंट ऑफ p, तो q इक्वल टू q का कितना था 1 था यहाँ पे वैल्यू, और p का कितना था हमारा 4 था, तो 1/4, ठीक है, मतलब q इक्वल टू x परसेंट ऑफ p, तो 1/4 कितना होता है 25% होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब मैं बात करूँ कुछ अनदर कंसेप्ट पे, ठीक है, चलो बात करते हैं, ठीक है, यहाँ बात करते हैं, ठीक है, हाँ, जैसे मैं बोलूं कि लाइक यहाँ पे 1/8 लिखा है, 1/8 को कितना फ्रैक्शन होता है, 12.5% होता है, ठीक है। उसी तरह मैं बोलूँ 2/8 कितना हो जाएगा आपका, 2/8 कितना हो जाएगा, 25% होगा, क्यों होगा ये, अब देखो 1/8 का 2 गुना होता है ये 2/8, इंटू 2 करोगे तो 2/8 आएगा, तो जितना इधर करोगे इंटू उतना इधर भी करोगे आप लोग, 12.5 को इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा, 2
25% आएगा। उसी तरह मैं बोलूँ अगर 3/8 कितना होगा, इसका 3 गुना, इधर भी आप लोग 3 × करोगे × 3 तो 12.5 को × 3 करोगे तो 37.5 आएगा, ठीक है। और उसी का मैं बताऊँ, ये × 3 वाला है, उसी का अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 4 गुना 4/8 तो ये कितना हो जाए आपको 12.5, 50% आएगा ये। तो ये बात ध्यान रखना कि जितना आप लोग इंटू करोगे इधर, इतना मल्टीपल फ्रैक्शन में, उतना परसेंटेज में भी मल्टीपल होगा, उतना क्या होगा परसेंटेज में भी मल्टीपल होगा, तो ये भी कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, ठीक है। और जैसे मैं बात करूँ लाइक, हाँ 1/7 ले लो, 1/7 है कितना होता है 14 होल 2/7% होता है, ठीक है। उसी तरह मैं 2/7 ले लूँ, 2/7 ले लूँ तो कितना हो जाएगा आपका 28 होल 4/7% होता है। और उसी में बात करूँ 3/7 कितना होता है 42 होल 5/7% होता है, ठीक है। और उसी तरह मैं बात करूँ 4/7 है कितना हो जाएगा, लाइक ये मैं यहाँ पे मल्टीपल कर रहा हूँ 1, 2, 3, 4 की मैं बात करूँ तो यहाँ पे कितना होता है 4/7 है कितना हो जाएगा आपके पास 56 होल 8/7। अब देखो यहाँ पे ना एक चीज है कि यहाँ पे जो है न्यूमरेटर क्या आ रहा है हमारा, बड़ा आ रहा है, न्यूमरेटर हमेशा ना आपको छोटा लाना है, ठीक है। लाइक 56 होल 8/7 इसका ये नहीं होगा परसेंट में, तो न्यूमरेटर हमेशा आपको क्या लाना है, छोटा लाना है। तो क्या इसको कर सकते हैं 56 + 8/7 लिख दो, 56 + 8/7, ठीक है। तो लाइक यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 56 8/7 को हम लोग होल में लाने के लिए क्या करते हैं यहाँ पे, लाइक अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा इरेज करता हूँ, आप लोग नोट करते रहना जो भी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो 8/7 को हम लोग होल में लिखने के लिए क्या करेंगे, 1 होल 1/7 मतलब 1 + 1/7 ऐसे लिखेंगे ना, ठीक है 1 + 1/7। तो यहाँ पे हम लोग 56 + 1 + 1/7 लिखेंगे, कोई डाउट नहीं है क्योंकि इसको तोड़ के ही लाया वही चीज, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 57 होल 1/7% हो जाएगा। अब ये इसका परसेंट का वैल्यू क्या आया, सही हो गया। मतलब हमेशा आपको न्यूमिनेटर क्या लाना है, हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ पे 8/7 का जो भी था वो होल में लाकर उसको यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। अब आप बोलोगे लाइक कि इसको डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, ठीक है, मतलब इसका कोई शॉर्टकट ये सर है कि नहीं, लाइक इस प्रोसेस को हम लोग को लिखना ना पड़े, इस प्रोसेस को हम लोग को लिखना ना पड़े, ठीक है, क्या कर सकते हैं। लाइक हम लोग क्या बोला गया था यहाँ पे 56 होल 8/7 था, तो 7 से क्या करते हैं हम लोग, मतलब 8 को 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1 रहता है, ठीक है, एक बार में डिवाइड होगा। सो यहाँ पे एक बार में जो डिवाइड होगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, एक किसको ले चल, एक किसके पास चला जाएगा 56 के पास, तो 56 में एक क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और हमारा एक क्या हो, 7 × 1 = 7 तो हमारे पास एक रिमाइंडर ही बच जाता है, एक हमारे पास क्या बच जाता है, रिमाइंडर। तो एक इसके पास चला गया तो कितना आ जाएगा 57, और एक रिमाइंडर बच गया ऊपर में और नीचे आपका 7 एज इट इज रहेगा, तो 57 होल 1/7%। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ इस कॉन्सेप्ट को, शॉर्टकट वाले कॉन्सेप्ट को, ठीक है, लाइक इधर ही कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है, लाइक
क्या मैं बोला था कि लाइक यहाँ पे मैंने बोला था 56 होल 8x7 आया, तो मैंने बोला कि इतना प्रोसेस को छोड़ के सीधा हम लोग शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं। तो 7 वनजा क्या होता है, 7 होता है, तो 7 वनजा 7 होता है, तो लाइक जो 1 होगा हमारा वो 56 में आके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 57 हो जाएगा वो, और 7 वनजा 7 होता है। एक तो रिमाइंडर बच गया ना क्योंकि हमारे से 8 का था, तो एक रिमाइंडर बच गया, तो ऊपर में एक एज इट इज रहेगा और नीचे 7% आते हैं, 7 एज इट रहेगा, तो 57 और 1/1% आएगा। और न्यूमिनेटर मैंने क्या बताया, हमेशा डिनोमिनेटर हमेशा छोटा होना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने ये प्रोसेस किया है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक है, अब मैं बात करूँ कुछ लाइक क्वेश्चंस तो हम लोगों ने किए हैं यहाँ पे, लाइक और क्वेश्चंस करते हैं अभी। ठीक है, लाइक एक ये क्वेश्चन है, आप लोग भी करो, लाइक फाइंड 111% ऑफ 468, मतलब फाइंड 111% ऑफ 468। देखो ऐसे क्वेश्चन में ना आप लोग, मैं सिंपल सा इजी सा बताता हूँ 111 को कैसे लिखना, मतलब 111% को। लाइक इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 100%, 100% प्लस 10% प्लस 1%, ऐसे लिखते हैं ऑफ 468। ऐसे लिखेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना, मतलब जोड़ के तो एक ही आएगा, मतलब 100 प्लस 11, मतलब 100 प्लस 10 प्लस 1% तो एक ही चीज रहेगा। ये सब परसेंट है, ठीक है, ये परसेंट है, 11 मतलब समझना, ठीक है, ये सब परसेंट दिया होगा। ठीक है, तो 100% कितना होता है आपका, मतलब 100% कितना होगा, 100% ऑफ 468, 100% ऑफ 468 कितना होगा आपका, 468 ही रहेगा। ठीक है, प्लस करना है फिर 10% ऑफ 468 कितना होगा आपका, 10% ऑफ 468 कितना होगा आपका, 46.8 होगा। ठीक है, 10% ऑफ 4, अब 1% ऑफ 468 कितना होगा, 4.68। इतने तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप तीनों को जोड़ दो, कितना आ जाए आपके पास, ये 8 रहेगा, 14, 4 इज एस इट इज रहेगा, ठीक है, ये 9 हो गया, 1519.48 आपका आंसर होगा। ठीक है, तो क्या था मैंने किया, 111% ऑफ 468 दिया था, मैंने तीनों को अलग अलग कर लिया, 100 प्लस 10 प्लस 1 कर दिया, ठीक है, ताकि हम लोग का इजी हो जाए। तो फिर 100% का मैंने 468 किया, तो 100 468 ही रहेगा, फिर 10% का 468 किया, 10% ऑफ 468 तो 46.8 रहा, फिर 1% ऑफ 468 रहा तो मैंने क्या है, 4.68, तो इस तीनों को जोड़ देंगे हम लोग, क्योंकि जोड़ना ही था, 519.48 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करें तो लाइक ये क्वेश्चन है, 75% ऑफ 260 प्लस 30% ऑफ 320। अब देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बच्चे क्या करेंगे, पहले लिखेंगे ऐसे 75%, ठीक है, एग्जाम में आएगा तो ऐसे लिखेंगे 75% ऑफ 260, ठीक है, प्लस 30%, इसको मैं इरेज कर दूं, ठीक है, फिर इसको ऐसे लिखेंगे 30% इंटू 320, फिर इसको ऐसे डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीपल, फिर 0 से 0 काटेंगे, इसको ऐसे करेंगे, फिर इसको भी 0 से 0 काटेंगे, फिर 2 5 जा करेंगे, फिर 2 1 जा, फिर 2 3 जा, फिर 5 से इसको काटेंगे, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, तो जो इसको मल्टीप्लाई और ऐड करके आएंगे फिर ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो शुरू से पढ़ते हैं ये प्रोसेस है, बट आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, एग्जाम में आपको सिंपल वे से चलना है, एग्जाम में ऐसे करोगे तो टाइम भी बहुत वेस्ट होता है। ठीक है, टाइम क्या होता है आपका, वेस्ट होता है, तो हम लोग यहाँ पे इसको डिजिटल सम के थ्रू करेंगे। डिजिटल सम आप लोग नहीं जानते होंगे, तो जो लोग नहीं जानते मैं यहाँ बता देता हूँ, डिजिटल सम हम लोग को लाइक एक नंबर्स को ऐड करने से बनता है, लाइक 75% ऑफ 260 है प्लस 30% ऑफ 320 है, तो 75 को जोड़ोगे तो 7 और 5 को जोड़ोगे तो कितना आएगा आपके पास, 12 आता है, 75 को जोड़ोगे तो कितना आता है, 12 आता है, फिर 12 को अभी मैं ऐसे ही लिखता हूँ, ठीक है, इसको ऐसे ही लिखता हूँ, इंटू है, 6 और 2 कितना होता है, 8 होता है, तो इसको ऐसे ही लिख दिया, ठीक है, प्लस 3 प्लस 0 कितना होता है, 3, इंटू 3 प्लस 2 प्लस 0 कितना होता है, 5, तो 12 था ना, 12 को हमेशा एक डिजिट बना दो, सबको डिजिटल सब में एक डिजिट होता है,
तो 1 + 2 कितना हो, 3, और ये तो एज इट इज 8 रहेगा, प्लस 3 एज इट इज और 5 भी एज इट इज रहेगा। आ गया आपका आंसर, 8 3 24 हो गया, 5 3 15, जो 4 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 6 15, और 1 + 5 कितना हो, 6 12। दिस इज योर राइट आंसर, मतलब 12 नहीं 3, 1 + 3, दिस इज योर राइट आंसर, 3 इज योर राइट आंसर। ठीक है, इसका कितना आ जाएगा आंसर, 3। सो डिस्टेंस से मैं फिर से एक रिपीट कर देता हूँ, क्या मैंने बोला कि लाइक अगर 75 दिया हुआ है तो 75 को कैसे जोड़ोगे, 75% दिया है तो 7 + 5 कितना होता है, 12, तो फिर 12 को कितना, 1 + 2 हमारा रहा, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा हमारा, 3, जो मैंने यहाँ 3 लिखा, उसका 2 + 6 कितना होता है, 8, फिर 3 + 0 हमारा क्या होता है, 3, फिर 3 + 2 + 2 + 0 करोगे तो कितना आएगा, 5। ठीक है, उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, 8 3 24 आया, फिर 24 को हम लोग 2 + 4 करेंगे कितना आएगा, 6, फिर उसके 5 3 15 आएगा, तो 15 को क्या करेंगे, 1 + 5 तो कितना हो जाएगा, 6, तो ये हमारा क्या आता है, 6 6 12, फिर 12 को क्या करेंगे, 1 + 2, तो हमारा 3 आंसर आ जाएगा डिस्टेंस सम से। तो आपको ऐसे करना है, डिस्टेंस सम से अप्लाई करके आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन तो नॉर्मल्स हैं, ठीक है, कभी कभी आएंगे एग्जाम, सिंप्लीफिकेशन के थ्रू आपको आते हैं, ठीक है, कभी कभी एग्जाम में आपको लाइक सीमेट में मिल जाते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन सीईटी में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलते हैं, लाइक सिंप्लीफिकेशन है क्वेश्चन मैंने देखा, तो सेम सीईटी के थ्रू एग्जाम में आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन देख सकते हो, डिस्टेंस सम के थ्रू करोगे तो आपको ईजी रहेगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट बात करूँ तो लाइक इसी तरह ये क्वेश्चन है, तो लाइक ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। हाँ, मैं जैसे एक बताने वाला हूँ, यहाँ पे तो आप लोग परसेंटेज था, तो जिसको डिस्टेंस हम नहीं भी आए तो वो सब तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसा एक रैंडम मेथड से हम लोग करते हैं, बट यहीं पे मैंने बोल दिया कि यहाँ पॉइंट लगा दे, तो कब तक सॉल्व इसको करते रहोगे, लाइक सॉल्व करते करते तो लाइक बहुत लंबा प्रोसेस आ जाएगा, तो यहाँ पे भी डिस्टेंस हम लोग यूज कर लेते हैं, तो 7 + 7 कितना हो जाएगा, 14, और 14 15 17 हो जाएगा, ठीक है, 17 हो गया। ठीक है, तो 7 17 में 2 आ गया, एक आ गया, 1 7 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा, 8 ऑफ का दिया इनटू, फिर 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8 + 3 1 4 7 4 11 होता है, 1 1 2, तो 2 × 3 और 2 5, ठीक है, तो 8 और 8 कितना होता है, 64, तो 6 + 4 कितना होता है, 10, ठीक है, तो उसका 1 + 0 तो 1 आ गया, और 5 × 10 तो 1 1 2, तो इसका क्या हो जाएगा, 2। तो इसका ऑप्शन में जो भी इसका लाइक रहेगा ऑप्शन में, लाइक इसका भी मैं ऑप्शन दे देता हूँ, लाइक इसका ऑप्शन था 301 और इसका था 271 और 281 291, इसका ऐसा था, तो यहाँ पे मेरा कितना आंसर आया था, 3। तो इस सबको जोड़ के देखो, 301, 3 + 0 + 2 तो ये 4 आ रहा है, 2 + 7 कितना आ रहा है, 9 और 10, नहीं ये भी 1 आ रहा है, फिर 8 2 10 11, 1 1 2 आ रहा है, 9 10 11, फिर 12, तो 1 इसका आ रहा है, जो ऑप्शन डी है ये वाला, ये सी है, ये बी है, ये ए है, तो इसका कितना आ रहा है, 12, तो 1 + 2 कितना होता है, 3 होता है, तो इसका आंसर हम लोग क्या आया था, 291। ठीक है, उसी तरह इसका कितना आया, मतलब 2 डिस्टेंस सम में आया है, तो उस तरह आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया रहेगा, जो यहाँ पे 2 किसी चीज को ऐड करोगे, जैसे हम लोग यहाँ 1 291 को ऐड किया था, 3 आया। ठीक है, आप लोगों को ऑप्शन में भी डिस्टेंस सम अप्लाई करना पड़ेगा, तब तो आपका वही आंसर आएगा जो यहाँ पे हम लोग का 3 आंसर आया था। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग ये समझ गए होगे, जैसा मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया है, ईजी सा कॉन्सेप्ट है ये डिस्टेंस सम का। अब मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है, क्या है, If A percent of 240 is 6, C percent of A is 117.6, then the value of A plus C. ठीक है, A percent of क्या बोला है, A percent of 240, ठीक है, equal to C percent of A is 117.6, ठीक है, इतना हम लोगों ने लिख लिया जैसा बोला था। अब परसेंटेज ऑफ से परसेंटेज ऑफ कट जाता है, ठीक है, ए से ए कट गया, तो सी बराबर हमारा क्या आ गया, 240 आ गया। ठीक है, अब मैं बात करूं यहाँ पे, बट हम लोग क्या बोला, देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस सी, ठीक है, ए प्लस सी का वैल्यू लाना, तो हम लोग का सी का आगे ए का लाना है ना,
हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, ए परसेंट ऑफ 240, यहाँ पे ऑफ ए परसेंट ऑफ 240 इक्वल टू क्या था 117.6, ठीक है। ए बराबर क्या आ जाएगा आपका 117.6 डिवाइडेड बाई 240, परसेंट था यहाँ पे, परसेंट ऊपर जाएगा नीचे जो नंबर रहता है वो ऊपर जाएगा और इसका एक जीरो नीचे आएगा, तो एक जीरो से एक जीरो गया, फिर एक जीरो से एक जीरो गया, 24 से काट के देखो कितने बार में, 8 से काटो, 8 थी 24, 8 बन जाए 8, 8 4 जाए 32, 8 7 जाए 56, फिर 3 से काट लो, 3 4 जाए 12, 3 9 जाए 27, 49 इज योर आंसर, ठीक है। क्या होगा, 49 इज योर आंसर। तो हमारा ये क्या था, ए का वैल्यू आ गया, ठीक है, ए का क्या आ गया, वैल्यू आ गया। अब a प्लस सी को ऐड कर दो, मतलब c का कितना वैल्यू था, हम लोग का 240 था ना, 240 था, a का कितना आया 49, ठीक है, उसी तरह ऐड कर दो, जो आंसर आएगा 9 8 8 और 2 289, ठीक है, दिस इज योर आंसर, ठीक है। चलो हम लोग बात करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। If 25% of half of x is equal to 2.5 times the value of 30% of 1/4 of y, then x is what percent more or less than y? ठीक है, क्या बोल रहा है, जैसा कि 25% क्या बोला है, हाफ कितना होता है आपका 1/2 होता है, ठीक है, 1/2 होता है, ऑफ है, यहाँ पे ऑफ को भी लिख देता हूँ, ठीक है, ऑफ हाफ है आपका 1/2, ऑफ हाफ ऑफ एक्स है ना, ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ 30% ऑफ 1/4 ऑफ वाई, इतना आपको दिया हुआ है, मैंने कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं लिखा, जैसा क्वेश्चन में था वैसा लिख दिया हूँ। तो लाइक मैं बात करूँ तो 2.5 को अगर मैं बताऊँ तो यहाँ से एक जीरो नीचे आ जाएगा, ठीक है, एक जीरो नीचे आ जाएगा और परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा आपका, 25 से 25 चला जाएगा, 2 से 5 चला जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं बात करूँ तो 5 6 इधर आ जाएगा 30 और 2 3 6 2 2 4, तो x और नीचे y आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ऊपर 3/2, ठीक है, ये रहेगा आपका आंसर। और यहाँ पे पूछ रहा है x y से एक एक ही मतलब कितना ज़्यादा है, मतलब व्हाट देन x इज व्हाट परसेंट मोर और लेस, ठीक है, एक्स कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है, एक ज़्यादा है, ठीक है, तो एक ऊपर लिखेंगे, ठीक है, किससे ज़्यादा है, वाई से है ना, तो वाई नीचे रहेगा, जैसा मैंने प्रीवियस बताया था कितना नीचे रहेगा, तो 2 5 50% इज योर आंसर हो जाएगा, ठीक है, दिस इज योर राइट आंसर। सो कैसे किए हम लोग, कि जितना हम लोग का था एक्स बाई वाई का वैल्यू आ गया, तो x का पूछ रहा है कितना परसेंट मोर और लेस होगा, तो x हम लोग यहाँ देख रहे हैं एक ज्यादा है, 2 से कितना 3 है, तो एक ज्यादा है, और हम लोग का y से ही ना ज्यादा होगा, तो y कितना है 2 था, तो 2 नीचे और उसको परसेंटेज में ले आए 200 करके, ठीक है। तो चलो हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे। इफ 37.5% ऑफ ए नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ देन द रिजल्ट बिकम 1320, फाइंड द ओरिजिनल नंबर, ठीक है, मतलब एक है 37.5 एक नंबर है परसेंट, तो
37.5% होता है आपका 3/8 होता है, ठीक है, सबका याद रखना, ठीक है। तो 3/8 होता है, तो 3/8 में ना आप ओरिजिनल नंबर इसको मान लो, 8 को हमेशा डिनोमिनेटर को मान लेना चाहता है, ठीक है। इसको मैंने मान लिया ओरिजिनल नंबर, ठीक है, मान लिया मैंने, ठीक है। तो 8 का मैंने जैसे बताया था, 8 का 37.5% कितना है, 3, जैसा मैंने एक प्रीवियस अभी बताया था लेक्चर में, ठीक है, प्रीवियस अभी कुछ देर पहले, 8 का 37.5% कितना है, 3 है। तो 8 में कितना किया गया है, 3 ऐड किया गया है, तो कितना हो जाएगा हमारा, 11, ठीक है। कितना का बोलना है हमारे पास, बिकम्स रिजल्ट कितना हो गया है, 1320, तो 1 कितना हो जाएगा आपका, 120, क्योंकि 11 बन जाए 11, 120, 120। अब पूछ रहे आपसे ओरिजिनल नंबर, फाइनल ओरिजिनल नंबर हमारा कितना था, 8 था, तो 8 इंटू 120 कितना आ जाएगा आपके पास, 960। सिंपल सा आंसर था, मतलब सिंपल सा एक क्वेश्चन था, ठीक है। इसको ऐसे ही बना सकते हो, और ही बता देता हूँ, लाइक इसको ऐसे ही कर सकते हो, लाइक जो आपका रिजल्ट दिया हुआ है 1320, इसको हमेशा ऊपर लिखो, ठीक है। और जो आपका लाइक ओरिजिनल नंबर जो माने हो, ठीक है, और जो कितना ज़्यादा है, मतलब 8 का 37.5% कितना है, 3 है, टोटल कितना हो जाएगा उनके पास, 11, ठीक है, जो हमारा मान दिया हुआ है, ठीक है, और इंटू ओरिजिनल नंबर कर दो, बस यही करना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 11 से काट लो, 120 इंटू 8 दोनों में 960 ही आएगा। फिर से समझा देता हूँ मैं इस कॉन्सेप्ट को, लाइक बोल रहा है, 37.5% ऑफ द नंबर इज एडेड इटसेल्फ, देन द रिजल्ट बिकम्स 1320, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। 37.5 यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कितना होता है फ्रैक्शन में, 3/8 होता है, 3/8 को हम लोग यहाँ पे, मैंने 8 को ओरिजिनल नंबर मान लिया, ठीक है, मान लिया मैंने, ठीक है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं 3/8, तो 8 हमारा ओरिजिनल नंबर मैंने मान लिया। तो 8 का 37.5% कितना है, 3 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा टोटल, 11 का टोटल बिकम्स 1320, तो 1 का कितना मान होगा, मतलब कितना हो जाएगा, 120। तो इसी तरह 8 का आपको लाना है, ओरिजिनल नंबर हम लोगों ने 8 माना था, तो 8 मान के हम लोग क्या आया, 960। उसी तरह मैंने इसका यहाँ पे दूसरा बताया शॉर्टकट, तो क्या बताया था, जितना आपको दिया रहेगा उसको ऊपर लिखो 1320 रिजल्ट, और जितना आपको ऐड करना है, लाइक क्या नंबर आपको ऐड करना है, वो 11 हो जाएगा टोटल, आपको जितना उसके ओरिजिनल नंबर लिख दो यहाँ पे इनटू में, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलो, दिस इज आई थिंक लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, सो हमारी और भी पार्ट्स आएंगे, तो हम लोग पहले इसको डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं। ये यहाँ पे 44 होल है, 444 होल, 4/9% है, ठीक है, इसको ही बताते हैं हम लोग कैसे चेंज करेंगे। बोल क्या रहा है, इफ 930 इज एडेड इन ए नंबर, देन नंबर बिकम्स 444 होल, 4/9% ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। वो ही बोल रहा है कि यहाँ पे मैंने बोल दिया 444 होल, 4/9% को पहले हम लोग फ्रैक्शन में ले आते हैं, कैसे लाएंगे, इसको मैंने बताया था कैसे लिखोगे, 400% प्लस 4 करेंगे ना, ठीक है, और प्लस 4/9, 400% कितना हो जाएगा आपके पास, 4 प्लस 4 प्लस 4/9, 8 प्लस 4/9 कितना हो जाएगा, 40/9, ठीक है, आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे, ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे मैंने इसको कैसे चेंज किया, ठीक है। तो लाइक इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, ओरिजिनल नंबर किसको मान लो, 9 को ओरिजिनल नंबर मैंने मान लिया, ओरिजिनल नंबर मान लिया, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है, इफ 930 इज एडेड इन अ नंबर, देन द नंबर बिकम्स 444 इस, मतलब होल 4/9, मतलब 9 में यहाँ पे कितना ऐड मुझे करना है 40 बनाने के लिए, 31 ही ऐड करेंगे यहाँ पे ना, कितना बोला ऐड करने के लिए, 31 नंबर ऐड करेंगे तो 40 बनता है, तो 930 हमारा लाना है, रिजल्ट है कितना है, 31 ऐड करना होगा, और ओरिजिनल नंबर हम लोग क्या माने हैं यहाँ पे, 9,
यहाँ पे तीन बार में 270 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसको ऐसे ही बना सकते हो लाइक जो प्रीवियस है, जैसे कि यहाँ पे क्या करोगे, 39 है, 9 10 40 था ना, 40, तो लाइक दिस इज द बेस्ट आई थिंक मेथड यू कैन गेट योर आंसर। सो आई थिंक आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो ये था आज का हमारा पार्ट वन वीडियो, और भी जितने परसेंटेज में पार्ट्स आने वाली है, ठीक है, आप लोग सब देखना ताकि आपकी जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होती जाए, ठीक है, क्योंकि एक पार्ट में मैं बना दूंगा तो वो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो पार्ट वाइज हम लोग चलेंगे, पार्ट वन पार्ट टू, ठीक है, लाइक फाइव पार्ट्स, आई थिंक 5-6 पार्ट्स रहेंगे, तो आपकी परसेंटेज पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो आया कल ट्यूजडे को, जो हमारी सेशन आएगी वो रीजनिंग पे आएगी, जैसे मैंने बताया था स्केड्यूल के हिसाब से, ठीक है। और आई थिंक आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आएगी, और जो भी आप लोग कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हुई हो या फिर एनी क्वेश्चंस यू हैव एनी प्रॉब्लम, सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, यू कैन पुट डाउन योर क्वेश्चंस एंड क्वेरी इन कमेंट सेक्शन, एंड यू कैन ऑल्सो पर्सनली DM टू मी इन Instagram, ठीक है। एंड जो भी लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि आपको अपडेट सारे मिलते रहें। यहाँ पे CMAT CET के अभी अपडेट्स जितनी भी चल रही है यहाँ पे आती रहती है, और मैंने यहाँ पे अभी जो सीरीज स्टार्ट की है फ्री कोर्स का, ये भी आप लोगों को मिलते रहे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है, वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में कल ट्यूजडे को, ठीक है, तो बने रहना चैनल पर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।